अच्छा वो बोटी तैयार है, ये हमारी ये लगाइए ना। नाज़रीन हाज़रीन, ये आ गया हमारी मलाई बोटी, ठीक है, खूबसूरत शक्ल आप देख सकते हैं, और ये हमारी आ गई बीफ बिहारी बोटी माशाल्लाह। इसके बाद हमने पराठे मंगवाए और ये मंगवाए हमने चटनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। भाई हम गुलशन इकबाल ब्लॉक वन पे आए हुए हैं, बिस्मिल्लाह कबाब, ये कॉलेज के दौर से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर कबाब बोटी बहुत ज़बरदस्त होती है, यहाँ पर इनकी जो मलाई बोटी है ये बेहतरीन होती है, और दूसरी इनकी ये बीफ बोटी बहुत मशहूर और बहुत पॉपुलर होती है, लोग रनिंग आइटम है भाई, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों के साथ निकले हुए थे, तो मैंने सोचा यार यहाँ की वीडियो बना लेते। मैंने मेरे ख्याल से 2 साल पहले इसकी एक शॉर्ट फॉर्मेट वाली वीडियो बनाई थी, लेकिन आज आपको एक दरमियाना रेट में, ये नहीं कहता बहुत सस्ता, दरमियाना रेट में अच्छा बारबेक्यू का स्पॉट दिखा रहा हूँ जो गुलशन इकबाल में। तो ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। भाई इनकी ये चटनी बड़ी खालिस होती है, ठीक है, हरी चटनी होती है, धनिया पुदीने वाली, और प्याज इसका मज़ेदार होता है। आप यहाँ पे आओगे ना खाने, मैं कहता हूँ अगर 2 बंदों से ज़्यादा हो ना तो आप 2-3 प्लेटें आराम से मंड दोगे इसको। और मैंने इनको बोला भाई बनाते हैं, मैंने बोला भाई बोटी ऐसे बनाना फुल मज़ेदार गली हुई, और आप चेक करो ये बोटी बादशाह, फुल नरम गरम बोटी है ये। भाई ये पहला निभाला बिस्मिल्लाह, तेज आंगा बहुत ज़बरदस्त होता है, और बोटी जो होती है ना भैया इसकी, वो हो माशाल्लाह। पराठा अच्छा, थोड़ा स्पाइसी भी आज फील हो रहा है, ये चटनी में हमने डाला गबड़प डबड़प, और ये हमने मज़ेदार बहुत आला। अब आपको पैकेज बना के दिखाते हैं, इसको पैकेज कहते हैं। हमने पराठा थोड़ा ऐसे, फिर हमने ऐसे की इसके साथ बोटी को, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीस तोड़ा, अब टूट गया ये, हमने पीस तोड़ा ऐसे, ठीक है। आप इसने इसको यहाँ पे रख दिया, इसको आपने यहाँ से उठाई प्याज, सही है, ये आपने यहाँ पे डाली, और इसको आपने रोल की शक्ल दे के ऐसे रोल बनाया। और मेरा भाई ये हो गया तैयार। 18-19 साल हो गए इस होटल को, आप कितने साल से काम कर रहे हो? 16 साल से। अच्छा फिर इस होटल की सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? बीफ बोटी और मलाई बोटी, ये सबसे ज्यादा मशहूर है, और लोग हम तो आते हैं, आपको पता है हम तो भाई खाते जाते हैं, बहुत जबरदस्त। ये बीफ बिहारी, भाई इधर दिखाना, ये बीफ बिहारी बोटी जो है ना, इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है, और बहुत लाजवाब है। और अगर आप आएंगे ना, आप आए और बताएं आसिम भाई ने भेजा है, और ये आप ट्राई करें, बहुत लजीज लगेगा। अच्छा नाम क्या बताया था, जगह का नाम बता दें? आबिद टाउन के इलाका, आबिद टाउन का इलाका है, यूनिवर्सिटी के सामने, बिल्कुल इकरा यूनिवर्सिटी के सामने, बिस्मिल्लाह, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई आपको हमने दिखा दिया, अंकल जो है ना यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे तो आते हैं क्योंकि कॉलेज के ज़माने से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अंकल से थोड़ी सी इंट्रो ले लेते हैं। माशाल्लाह ये थोड़ा स्ट्रीट साइड होटल है, ठीक है, लोकेशन आपको समझा दी, कोने में ही है, यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह है, अंदर भी इनका है स्टॉल बैठने का, अंदर थोड़ी सी जगह बैठ सकते हैं। इनकी ये बीफ बिहारी बोटी जो है ना भाई, ये ऐसी है बहुत मशहूर है, और लोग पसंद करते हैं इसको, और हम भी पसंद करते हैं। कीमत के हिसाब से ये है 480 रुपये की, ठीक है। एक और आपको शॉर्ट खा के दिखा देता हूँ भाई, इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। और जो कबाब वगैरह पसंद करते हैं गुलशन के इलाके में, तो यहाँ पर आके ये कबाब और बोटी ज़रूर ट्राई करो। भैया अब आ गए मलाई बोटी पे, ठीक है, ज़्यादा तारीफ़ें कर ली हमने बिहारी बोटी की, लेकिन अब थोड़ी मलाई भी दिखा दे भाई, इसको चेक कर लो। अब ये है 500 रुपये की, और ये मैं बता रहा था अभी भाई को कि अरे खालिस बोटी है बोनलेस, और मलाई बोटी का ना टेक्स्चर ही अलग होता है, और चेक करो इसका स्टाइल, बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। इसको खाली रुके ही खा लोगे ना, वही तो बेस्ट होगा। और बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे, वो मलाई बोटी बहुत पसंद करते हैं, तो भाई ये इसका टेक्सचर बहुत ही लाजवाब है। चाचा पैसे बता दो कितने हो गए। भाई हम लोग आए हुए थे ब्लॉक वन, ठीक है, गुलशन इकबाल, अगर आपको मज़ेदार बारबेक्यू खाना है, बिहारी बोटी मज़ेदार खानी है ना, तो भाई ये ब्लॉक वन पर आ जाओ, मज़ेदार टेस्ट है। 480 रुपीज़ की प्लेट है, और मलाई बोटी की प्राइस जो है 500 है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। भाई रोड साइड है, दिखा दो, ये रोड साइड पे बैठने की जगह है, तो आप यहाँ पे ऐसे, ये नीचे दिखाओ टेबल भी हमारे, दिखा दो, हम लोग ऐसे टेबल पे बैठे हुए थे, तो चिल सीन है, लौंडे लपाड़े आने तो आ जाओ, और अंदर थोड़ी सी बैठने की जगह है फैमिली की, और अगर आओगे फैमिली पे रोड साइड का चिल है, तो ये साइड में टेबल पे आप बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो।